नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में के लिए अपने यात्रा से लेकर के विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि देश प्रेम जागृत किया जा सके। इसी तरह देश की सेवा के लिए एक तरफ जो हमारे सेना के जवान हैं वो बॉर्डर पर जाकर के मेहनत करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, दूसरी तरफ जो बिहार की सेवा में जो डूबा जाते हैं वो समाज की सेवा करते हैं। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो पढ़ाई छोड़कर के तीनों की नौकरी छोड़कर के किसानी करने आ गए घर पर, और यहाँ पर एक नाजीर है, उन्होंने फेस किया है किसानी कर करके खेती करके। उन्होंने जैसे एक तरफ अभी लागत के अनुसार जो पैदावार है वो नहीं है, लेकिन जो युवा है जिनसे हम आपको मिलाएंगे उन्होंने करके दिखाया कि खेती करने में भी फायदे हो सकता है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं कि युवा है। अभी हम हरलाखी प्रखंड के परसा गांव में हैं और ये युवा है। सबसे पहले मधुबनी न्यूज में आपका स्वागत है, आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजीव कुमार रंजन है, राजीव जी ये बताइए कि आप इंजीनियर थे, आपकी जॉब भी लगी हुई थी, लेकिन आपने जॉब छोड़ करके आकर के यहाँ आपने खेती किया है, क्या वजह क्या है, कैसे मन में आया? लॉकडाउन के टाइम पे घर पे बैठे हुए थे, सब्जी वगैरह मार्केट खरीदने जाते थे तो काफ़ी महंगा था सब्जी, घर पे बैठे हुए थे। उसके बाद जॉब के लिए मतलब मेरी अच्छे से जॉब मिल भी रहा है, बट जो मैं किया वो अभी समझ लीजिए एक तो मुझे मिल रहा है जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, मार्केटिंग का जॉब मिल रहा है, बोल रहे सेल्स का। तो मैं घर पर आया और देखा कि खेत बहुत हम लोग के पास खेत काफ़ी है, उसका कुछ यूज नहीं हो रहा था प्रॉपर, तो हमने छोटा सा स्टार्ट किया है और कुछ एक डेढ़ सालों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। देखते हैं आगे अच्छा होगा तो और आगे अच्छा करेंगे। गांव के लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं धीरे धीरे, गांव के लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं अच्छा होगा तो अच्छा करेंगे। और निश्चित ही अच्छा हो रहा है कि हम अभी घूम रहे थे यहाँ पर, इनके जो बागवानी है हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से जो पौधे हैं, जो सेब का पेड़ है और विभिन्न प्रकार के यहाँ पेड़। बताइए आपके फार्म हाउस यहाँ पर हम आए हुए, क्या 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 पौधा लगाए हैं आप? सेब का पेड़ है, ऑरेंज है, अंजीर है, कटहल है और सहजन है और बहुत सारे प्लांट हैं जो विभिन्न विभिन्न टाइप के प्लांट हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जो प्लांट यहाँ पे हो सकता है वो नया नया रिसर्च में, जैसे कि सेब का प्लांट हर्बल 99 आया है जो प्लेन एरिया में भी हो सकता है। हम लोग पहले सुनते थे कि ठंडा एरिया में ही सेब होता है, बट जो हरमन 99 है, हरमन जी है बिलासपुर के हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने रिसर्च किया है और उन्होंने काफ़ी करके भी दिखाया बहुत सारे एरिया में, जो पंजाब अम्बाला इन सब एरिया में काफ़ी सारा हो रहा है सेब। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, एक हरमन का ही अभी लाए हैं, बट धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि और भी लाए। अभी हरमन का लेके आए 50 प्लांट जो अच्छा ग्रोथ में भी है और ग्रोथिंग भी हुआ था इस साल। तो कोशिश करेंगे कि और भी विभिन्न विभिन्न टाइप के जो इजरायली वेराइटी है वो भी लेके आए और लोग किसान साथ देंगे। थोड़ा गवर्नमेंट को भी ब्लॉक स्तर पर थोड़ा सा जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि किसान जिनके पास बहुत सारा खेत है वो भी खेती नहीं करना चाहते हैं। दूसरा एरिया में लोगों के पास खेत नहीं है, वो खेत लीज पे लेके खेती करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अपना खेत होते हुए भी लोग खेती नहीं करते। 5,000 का नौकरी कर लेंगे लेकिन खेती नहीं करेंगे, हंसते भी है लोग। जब तक नया जवान है, लड़के हैं, वो अपने कंधा पर कुदाल लेके अपने आप को प्राउड फील नहीं करेंगे, तब तक खेती में कुछ नहीं हो सकता। कंधे पे युवा को सुधार लेकर के आगे आना होगा, तब जाकर के खेती में बेहतर हो पाएगा। अभी आप देख रहे हो कि हम अपने सर पे गमछा लगाए हुए, गमछा बांधे हुए हैं, इसको मिथिला में मैथिली में बोलते हैं हम, बाल बांधे हुए हैं। हम इनके साथ घूमे, इनके पूरे प्लांट में हमने घूमा, देखा कि विभिन्न तरह की सारी चीज़ें हैं। ये बताइए जो किसान आज के डेट में खेती से भाग रहे हैं, बिजनेस व्यापार के तरफ जा रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में क्या संकेत दे रहा है? उन्नत किस्म का सीड बीज नहीं मिलता है हमारे यहाँ, ऊपर से किसान को मदद नहीं मिल रही है सरकार के ऊपर से। जो पुराने खेती है, जो ऑर्डिनरी तरीका है, जो धान गेहूँ यही लोग कर रहे हैं, और कुछ किसानों का शिकायत है कि यहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत परेशान कर रहे हैं। इस वजह से जो हमारे यहाँ का पुराने चीज़ थे, जैसे अलुआ था, बोल था, केसौर था, जो पुराने चीज़ थे जो हमारे यहाँ बिहार से बाहर एक्सपोर्ट हो जाता था, उन सब चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सुअर उसको सब खा जाता है। तो ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ के जो अधिकारी है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ या फिर सर्कल ऑफिसर हुए, इन सबको किसान से मिलना चाहिए। महीने में एक बार तो कम ग्रुप
चाहिए जिससे किसान को लगे कि नहीं अभी टाइम आने वाला है और किसान के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा टाइम आएगा। तो जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने यहाँ, इसी वजह से किसान किसानी छोड़ रहे हैं। सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएँ चलाई जा रही है, लाभ देने के लिए अनुदान हो जो भी चीज़ें हैं दिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो सही है या उसमें भी कुछ और बेहतर और बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे जागरूकता की। ब्लॉक में कुछ योजना चल रहा है, मैं भी गया था तो पता किया तो हमें लाभ मिल रहा है कुछ योजना का, पर लोगों को पता ही नहीं है कि क्या योजना चल रहा है, उनको क्या क्या पेपर लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। किसान जो पुराने किसान हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो थोड़ा मोटा भी पढ़े लिखे लोग हैं वो किसानी करना ही नहीं चाहते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो हर एरिया में मनरेगा हुआ, जो किसान के रिलेटेड चीज़ें हैं, बकरा फार्म अभी अच्छा चलने लगा है, जो ब्लॉक से हमें अनुदान भी मिलता है, पशुपालन का अनुदान मिलने लगा है, मत्स्य पालन में अनुदान मिलता है, इन सब चीज़ों में किसानों को अवेयरनेस नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस का, जागरूकता बनाए लोगों को, लोगों को पता चले कि हम बाहर जाके इतना काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर हम खुद के घर से मेहनत करेंगे हमारे लोगों को भी जॉब मिलेगा। जो प्लान कर रहे हैं, जो बिहार से बाहर जाके नौकरी करते हैं, जितना महीना 6 महीना में कमाते हैं उतना आने जाने में खर्चा हो जाता है, और आप हम सब देख चुके हैं लॉकडाउन में मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को क्या हालत हुई है बाहर में और वहाँ से यहाँ आने में। इससे अच्छा है कि हम अपने बिहार में, हमारे बिहार में इंडस्ट्री और फैक्ट्री नहीं लग सकती है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। अगर हम ब्लू क्रांति ला सकते हैं जो मछली में हो गया, हरित क्रांति जैसे आई थी, खेती से सब्जी से कर सकते हैं, सब्जी का बहुत अच्छा रेट रहता है हमेशा, और सब्जी का रेट हमेशा बढ़ता ही रहता है, सब्जी का रेट ख़राब नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा फर्टिलाइज़र का रेट बढ़ता है घटता है, वो सब इम्पोर्ट हम लोग कर रहे हैं बाहर से, इस वजह से होता है, बट ज़रूरत है कि हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें। जो किसान जो अपने यहाँ पहले पशुपालन करते थे, वो अपना गोबर जो होता है वो खेत में डालते थे, तो उनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसके वजह से उनका बजट नहीं बढ़ता था। अब खाद किसान दे रहे हैं उसके वजह से बजट तो बढ़ रहा है बट इनकम उतना ही है, इस वजह से किसानों को काफ़ी लॉस हो रहा है। सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, निश्चित ही सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक, उससे लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जैविक प्रक्रिया से खेती करना चाहिए, दिहाई होना है। राजीव जी, आप कौन से विभाग में? मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, उसके बाद मैं MBA भी किया हूँ, मार्केटिंग में घर पे आया, काफ़ी घर पे रहने में 6 महीने 7 महीने वर्क फ्रॉम होम था, घर से काम कर रहा था, तो सोचे कि खेत में कुछ किया जाए, कुछ कर रहे थे, तो फिर जब लॉकडाउन खुल गया तो उन्होंने वापस बुलाया, बट मैं अच्छा करने लगा था, तो सोचा कि नहीं जाते हैं, तो फिर मैंने रिजाइन किया। खाद देना है, कौन से पौधे लगाना है, ये सब एजुकेशन की वजह से है। अच्छा खासा पढ़े लोग जो है, अगर वो किसान लाइन में आते हैं तो उसका 50% पैसा उसके नॉलेज की वजह से उसका बच जाए, क्योंकि उसको जो ठग नहीं सकते, ब्लॉक में उससे एक्स्ट्रा रेट नहीं ले सकते, पैक्स वाला जो फर्टिलाइज़र देते हैं, खाद देते हैं, वो ज़्यादा रेट नहीं ले सकता है। आप कोई भी चीज़ के बारे में आप उससे पढ़ के गूगल से आप रिसर्च कर सकते हैं, खुद के ऊपर रिसर्च करिए, अपने खेत के ऊपर रिसर्च करिए, क्या चीज़ की कमी है हमारे खेत में। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉइल टेस्टिंग, जिसको मिट्टी का टेस्ट बोलते हैं, वो अभी भी अवेलेबल है, हम जाके मिट्टी का अपना टेस्ट करा सकते हैं, हमारे खेत में क्या चीज़ की कमी है हम वही दें। ऐसा नहीं है कि हम बोरे का बोरा यूरिया खाद दिए जा रहे हैं, मटिया खाद दिए जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे हमारा खेत खराब होगा और हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक खराब से खराब मिट्टी देके जाएंगे। जो प्रक्रिया है, जो एजुकेशन के बल पर भी खेती को बेहतर किया जा सकता है, स्वतंत्रता दिवस है और हमने यह खास शो चलाया है कि ताकि किसान है, युवा है, आज के समय में खास करके युवा है जो कहीं जॉब नहीं लगता है, वो परेशान हो रहे हैं, घर बैठे हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप ऐसे युवा को क्या कहना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हम सब भी नौकरी की बंदिश से आज़ाद होते हैं और अपने अपने यहाँ कुछ छोटा छोटा स्टार्टअप करते हैं, जिससे हमारे लोकल लोगों को काम मिलेगा, तो हमारे गरीब तबके के लोग जो पीछे रह गए उनको भी काम मिलेगा, और जो बड़े किसान हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा मोटा लॉस भी अफोर्ड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जो छोटे किसान हैं जो जिनके लिए अब शहर भी उनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि वो लॉकडाउन में ऐसा परेशान
परेशान हुए कि वो दोबारा उनका हिम्मत नहीं हो रहा है शहर जाने के लिए, उनको उनके दिमाग में हम डाले कि आप यहाँ पर कमा सकते हो और आज़ादी के 75वें साल के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित ही 75वें साल पर शुभकामनाएं। तो आपने सुना ये राजीव जी थे जिन्होंने बेहतर किसानी किया है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके, जॉब छोड़ करके और यहाँ पर आकर के खेती शुरू किया, इसमें अच्छी पैदावार भी हो रही है और लगातार आगे भी और योजनाएं इनके पास से हम करेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने आपको भी दिखाया, आप भी युवा हैं, आप भी जब अगर आपको भी जॉब नहीं मिल रहा है तो किसी तरह का कोई उपाय करिए, कोई छोटा सा उद्योग लगाइए और अपने आप को सशक्त बनाइए। आप सशक्त बनिएगा तो हमारा भारत सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।